हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द गोल अचीवर। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट टू, वो है फ्रैक्शन भिन्न। और इसी के साथ में आपको एक बढ़िया खबर सुनाता हूँ। हमारी गोल अचीवर एकेडमी को 1 फरवरी को 3 साल पूरा हो गया है। हमने जो न्यू कंसेप्ट इसमें लाया है, अब इसी के साथ हम आपको आगे भी अपडेट्स और नए नए वीडियो देते जाएंगे। यहाँ आप देखिएगा, नंबर सिस्टम को मैं बहुत सिंपल और बेसिक कंसेप्ट के साथ में लाया हूँ। अगर आप मेरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे और हमारे लेक्चर को यहाँ पे आप शेयर और सब्सक्राइब करोगे तो आपको ऐसी आपको डेली वीडियो मिलती जाएगी। नाउ हम टॉपिक पे आते हैं, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। इधर देखिए, तो अंश बटे हर को हम कहते हैं भिन्न। अब भिन्न को ही हम इंग्लिश में कहते हैं हमारा फ्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं न्यूमरेटर बाय में डिनोमिनेटर, जिसे हम व्यक्त करते हैं पी बाय क्यू में। आपको पता ही होगा 1/2, जैसे 1/2 इसको कहते हैं हमारा भिन्न। और सेम हम 3/5, हम इसे भी कहते हैं हमारा भिन्न, 3/5 को। अब यहाँ आइए, अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आएंगे या इससे भी ज्यादा आपको सीरीज इसमें देखने को आएगी। तो इसे कैसे सॉल्व करना है विदिन सेकेंड, आप देखिएगा। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे आपका अंश जिसको हम न्यूमरेटर कहते हैं वो बड़ा है हर से, या हर देखो आपका 14 है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपका बेसिक अप्रोच यहाँ पे यूज कीजिएगा। 179 को हमने 14 से डिवाइड किया यहाँ पे, तो 14 × 14 आपका बचेगा यहाँ पे 3। हम इसको 9 को यहाँ लिखेंगे, अब 14 2 बार जाएगा 28 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 11, जिसे हम 12 को हम भागफल कहेंगे। अब आपके लिखने का तरीका देखिए, बस इसके बाद आपका आंसर ही आने वाला है। ये आपने 12 यहाँ लिखा, जिसे हम क्वेश्चन कहते हैं, भागफल कहते हैं। जो बचेगा, जो शेषफल बचेगा उसे ऊपर लिखिएगा, और जिसे भाग दिया जा रहा है उसको नीचे लिखिएगा। अब जब आप ऑप्शन में देखोगे तो जहां आपको 11/14 11/14 दिखे वहां टिक मार कीजिएगा, वही आपका आंसर है। और अगर आपको और थोड़ा उसके डीप में जाना है तो देखिएगा कि 23 और 12 दोनों मिला के आपके 35 हो जा रहे हैं बस। और इसके पीछे आपको 11/14 को पुट कर देना है, यही आपका दोस्तों आंसर रहेगा, बिल्कुल सिंपल है। हम दूसरी प्रोसेस में जाएंगे जहां आपको माइनस वाली टर्म्स मिलेगी और एक प्लस वाली टर्म्स मिलेगी। यहां आपको फाइनली बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है और जो छोटी संख्या है जैसे 2/5 उसका चिन्ह आपका प्लस है, तो आपको यहां पे माइनस में से प्लस करना पड़ेगा, और जो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है वहां पे वही चिन्ह लगेगा। तो यहां पे आप इसमें से एक माइनस कीजिएगा, जैसे माइनस का 9 हो जाएगा तो ये 5 में से 2 जाएगा। यहां आपको डिफरेंस लेना है, मीन्स अंतर लेना है आपको, तो 5 में से 2 का यहाँ आपको 3 मिलेगा। आप 5 का 5 जैसे के वैसे पुट कर सकते हो, यही आपका दोस्तों आंसर है। आगे बढ़िएगा, अब यहाँ पे आपको सेम अंश आपको छोटा मिला है और हर आपको बड़ा मिला है, मतलब हम ऊपर में से कुछ कॉमन निकाल नहीं सकते। अगर ऊपर 29 होता और नीचे भी 29 होता तो मैं 29 से 29 को काट के 1 लिख देता, तो जब आप 159 में से 1 को माइनस करते हो तो 158 आपके पास में बच जाता। बट ऐसा यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस अप्लाई करेंगे, यहाँ से 1 को माइनस कर लेंगे तो 158 हो जाएगा। अब 29 में से 13 को हम घटाएंगे तो 16 बचेगा, 29 में से 13 को घटाएंगे 16 बचेगा, फिर जिससे हमने घटाया था 29 उसको जैसे के वैसे लिखेंगे, ये हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 पे, अब मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट में बताता हूं। अगर आपने 1 लिखा प्लस में आधा लिखा तो ये टोटल आपको मिलेगा 1.5, जिसे हम 1/2 कहते हैं। सिंपल से अब 1 रुपए और आधा मतलब 50 पैसे मिलके आपको 1.5 रुपया देगा। सेम आपको -1 और -1/2 आपको माइनस का 1/2 देगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो देखिएगा दोस्तों, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, हमने दोनों को क्लब कर दिया और केवल सिंगल लाइन से टर्म को बाहर निकाला। वैसे हम यहाँ भी करेंगे, आपको यहाँ से इधर मल्टीप्लाई करना फिर इधर माइनस करके उसको अगेन आपको डिवाइड करना, वो प्रोसेस बहुत लंबी जाएगी। इसलिए जो कंसेप्ट बताया जा रहा है उसे फॉलो कीजिए। हम डायरेक्ट इसे दोनों को दोनों चिन्ह को एक बार कंप्लीट करके बाहर लिखेंगे, 9649203/3399,
दोस्तों यही आपका फाइनल आंसर है, बस यही कांसेप्ट हमने यहां पे फॉलो किया है बेसिक के साथ में बिल्कुल। और अगर आप इसको लॉन्ग प्रोसेस से करोगे फिर भी आप करके देखना आपका आंसर यही आएगा। नाउ कम टू द पॉइंट, फिफ्थ क्वेश्चन। अब देखिएगा यहां पे आपने देखा था यह अंश आपका छोटा था हर आपका बड़ा था, यहां पे देखिएगा यह आपका अंश बड़ा है और हर आपका छोटा है, तो इसमें से तीन के मल्टीपल निकाल लीजिएगा। जैसे 14 को आपने 3 से डिवाइड किया तो 3 4 आ जाएगा, 12 हो जाएगा, यहां आपका बचेगा 2। दोस्तों ध्यान देना इधर, अब क्या करना है आपको, जो 10 का 10 लिखा माइनस जो 4 आया जो क्वेश्चन आया वो ऊपर लिखा, जिससे हमने भाग किया था वो नीचे लिखा, और जो हमारा बच गया है उसे हमने ऊपर लिखा। दोस्तों अब आपको क्या करना है, 10 रुपए में से 4 रुपए और कुछ पैसे माइनस करना है। इसका मतलब पहले मैं 10 रुपए में से 4 रुपए माइनस करूंगा तो मेरे पास में 6 रुपए बचेंगे। अब मुझे 6 रुपए में से भी 2/3 रुपीस को वापिस करना है, तो मेरे पास में अब मैं 6 में 3 माइनस करूंगा तो 5 बचेंगे। अब 3 में से 2 गया, जैसे हमने यहाँ पे अंतर वाला कंसेप्ट लगाया था, 3 में से 2 गए 1 बचा और 3 का 3। ये दोस्तों आपके पास में आपका आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी अभी मैंने आपको बताया कि 1 + 1/2 होता है, सेम हमारे पास में 1012 रुपए और कुछ पैसे है, तो मैं इसे डायरेक्ट लिखूंगा 1012 और 7/19, ये हमारा दोस्तों डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कैसी लगी ट्रिक आपको, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम आपके लिए न्यू वीडियो लाएंगे इससे भी और अच्छे अच्छे कंसेप्ट लाएंगे। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।